हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का अपडेशन। अभी कुछ दिन पहले ही हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 का सीरीज कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने पूरे के पूरे 16 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए डाटा बताने वाला हूं जिसे आपको अपडेट करना है। जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है, पीडीएफ लेकर के प्रिंट आउट निकाल के तैयारी कर रहे हैं वो लोग, जो लोग वीडियो से अपने खुद के सेपरेट नोट्स बना करके पढ़ रहे हैं वो लोग, सभी के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए जो जो चीज़ बताऊंगा उन सारे चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। आज का वीडियो चालू करने से पहले आपके माइंड में जो डाउट है मैं उसको अभी से क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपके माइंड में ये डाउट आ रहा होगा, जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है या जो खुद के नोट्स बना रहे हैं या जो वीडियो देख के तैयारी कर रहे हैं, जो भी डाटा मैं आज बताने वाला हूं इसका मतलब ये नहीं कि जो पुराने डाटा जो मैंने आपको बताया है वीडियो में या जो पीडीएफ के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया है वो डाटा को आपको डिलीट करके मिटा करके नए डाटा उसमें ऐड करना है, ऐसा नहीं है। जो पीडीएफ से तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो से तैयारी कर रहे हैं, जो सेल्फ नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपको अभी तक डाटा बताए गए हैं वो सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में जो डाटा बताने वाला हूं ये नए डाटा है, वो पुराने डाटा भी आपको याद रखने हैं, ये नए डाटा भी आपको याद रखने हैं। एग्जाम में प्रश्न कहां से आएगा कोई आइडिया नहीं है, ठीक। देखिए, जो आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 ये पब्लिश हुआ था आपका फरवरी 2019 में, ठीक। फरवरी के बाद से लेकर के जुलाई में कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, अगस्त में कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, नवंबर आपके जो 1 नवंबर को जो राज्योत्सव हुआ है उसमें जो हमारी नई सरकार आई है उसने भी कुछ आपके आंकड़े राज्योत्सव में उसे प्रदर्शनी में लगाए थे उसने, तो वो सारे जगह से कुछ नए डाटा कलेक्ट करके आपको आज के इस वीडियो में ये नया डाटा बताने वाला हूं, ठीक। तो देखिए, ये जितनी भी डाटा आप बोर्ड पे देख रहे हैं उसको मैंने पर्टिकुलर उसके जितने भी आपके एक पीडीएफ के फॉर्म में या इसके जितने भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पेज में, फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। वहां से जाकर के आप उसे वहां से देख करके या उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद ही आपको वो आंकड़े समझ में आएंगे। तो बिना वीडियो देखे इसे पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हाँ देखिए, उससे पहले एक अनाउंसमेंट और, जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ है उसे अब आज इंस्टामोजे पर अपलोड कर दिया गया है। जो आपके आज के वीडियो में जो अपडेशन बता रहा हूँ उसे फ्रंट पेज में अटैच कर दिया गया है, तो इस नए अपडेशन के साथ जो पीडीएफ है वो इंस्टामोजे पर अपलोड कर दिया गया है। जिस किसी को भी चाहिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर के आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका अध्याय एक। देखिए, यहाँ पे जो मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है वो पेज नंबर जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है उनके लिए है, ठीक। जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है ये पेज नंबर उनके लिए है, ठीक है। तो पीडीएफ नोट्स में है आपका पेज नंबर 4, जिसमें आपका अध्याय एक आर्थिक समीक्षा वाला जो अध्याय है उसमें। देखिए, पीडीएफ में कोई अपडेशन नहीं है। जो मैंने वीडियो में बताया था, वीडियो में मैंने बताया था जो विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसे अपडेट कीजिएगा। ये पीडीएफ में जो आंकड़ा दिया गया है वो ऑलरेडी अपडेटेड है, लेकिन वीडियो में मैंने जो बताया था उस आंकड़े को अपडेट कीजिएगा। ये जो विश्व बैंक की जो रिपोर्ट है ये आपकी अगस्त में आई है, अगस्त 2019 को ये आपके रिपोर्ट जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर अब जो भारत है वो आपकी जीडीपी के आधार पर विश्व की 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इंपॉर्टेंट है, करेक्ट कीजिएगा, वीडियो वाले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में अपडेट है। नेक्स्ट देखिए, उसी पेज में आपका नीचे तरफ दिया हुआ है एसआरएस रिपोर्ट, जो आपका पेज नंबर 4 है उसमें दिया हुआ है एसआरएस रिपोर्ट, जिसमें मैंने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बताया है। तो जो उसमें जो डाटा बताया गया है वो डाटा भी करेक्ट है, उसमें इस नए डाटा को ऐड कीजिएगा। उस डाटा को भी याद रखना है, इस डाटा को भी आपको याद रखना है। अभी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो रिपोर्ट है ये आया है आपका नवंबर में, ठीक। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो रिपोर्ट है ये आया है आपका नवंबर 2019 को, जिसमें मातृ मृत्यु अनुपात के आंकड़े जारी किए गए हैं, समझिएगा।
उसमें जो आपके पीडीएफ में जो दिया गया है उसमें मातृ मृत्यु दर 2015 लिखा हुआ है, वो आंकड़ा है आपका 2014 से 16 तक का, तो 2014 से 16 के बीच में आता 2015, इसलिए जो आपके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी आपके 2015 के आंकड़े दिए गए थे। लेकिन अब जो नया रिपोर्ट आया है SRS रिपोर्ट यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का जो नया रिपोर्ट आया है उसके आधार पर अभी जो मातृ मृत्यु अनुपात के नए डाटा जारी हुए हैं जो कि 2015-17 के हैं, दो साल की अवधि के दौरान के आंकड़े हैं 2015-17, समझिएगा। भारत में जो मातृ मृत्यु दर है, भारत में जो आपका मातृ मृत्यु दर है वो है आपका 121 प्रति लाख। देखिए पीडीएफ में और वीडियो मैंने क्या बताया है, जो भारत का जो मातृ मृत्यु दर है वो आपका 130 प्रति लाख था वीडियो के हिसाब से और पीडीएफ के हिसाब से, और छत्तीसगढ़ का था आपका 173 प्रति लाख। लेकिन SRS रिपोर्ट की जो आपके SRS की जो नई रिपोर्ट आई है उसके आधार पर भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो है आपका 122 प्रति लाख, जबकि छत्तीसगढ़ का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो हो गया है आपका 141 प्रति लाख। ठीक, यदि हम मातृ मृत्यु दर की बात करें तो मातृ मृत्यु दर है आपका 11%। इंपॉर्टेंट है, इसे ऐड करके याद रखिएगा, यदि आपके प्री के एग्जाम में नहीं आया तो आगे के एग्जाम में काम आएगा, ये डाटा अभी एक दो साल एज इट इज रहने वाला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 5, अध्याय 1 के ही पेज नंबर 5 में इसे करेक्ट कराना है। कुछ लोगों को जो स्टार्टिंग में जो पीडीएफ प्रोवाइड कराया गया था तो उसमें एक माइनर मिस्टेक था। देखिए जो आपके पेज नंबर 5 में जो आपका टेबल बना हुआ है, ठीक, टेबल कौन सा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर, तो जो कृषि वाला जो आपका रो है, कृषि वाले रो में देखिएगा जो विशेष वाला जो कॉलम बना हुआ है विगत 5 वर्षों में, वहां दिया हुआ है सर्वाधिक वृद्धि कारण अच्छी फसल, उसमें जो आपका क्या दिया हुआ है वित्तीय वर्ष 2016-17 वहां पे देखिएगा, वहां पे जो आंकड़ा है वो दिया गया है आपका 17.17%। ठीक, स्टार्टिंग के पीडीएफ में ये कुछ आंकड़े आपको जो टाइपिंग मिस्टेक हो गए थे उनके लिए है, अभी के तो नए पीडीएफ में लगभग सबको ये अपडेट करके मिला था। देखिए वहां पर ये जो है ये आपका 17.71% है, वहां पे 17 हो गया है, यहां पे जो आपका 71 है कुछ पीडीएफ में 17 हो गया था, तो देखिए क्या है 17 point, देखिए अपडेटेड डाटा यहां पे लिख रहा हूं 17.71%। ठीक, कृषि सर्वाधिक वृद्धि किस वर्ष रही 2016-17 में, और ये जो है आपका कितनी थी 17.71%। इंपॉर्टेंट है, इसे करेक्ट कीजिएगा, जिनके पीडीएफ में करेक्ट नहीं है उनके लिए है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये करेक्शन है, देखिए जहां पे करेक्शन है वहां पे मैंने स्टार मार्क लगा के रखा है, मुश्किल से 2 या 3 करेक्शन बस है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका अध्याय तीन का पेज नंबर दस पीडीएफ का पेज नंबर 10, समझिएगा उसमें बना हुआ है आपका एक पाई डायग्राम बना हुआ है, एक सर्कल वाला डायग्राम बना हुआ है, उसमें देखिएगा जो पहला सर्कल बना हुआ है उसमें जो आपका क्षेत्रवार हिस्सेदारी है, जिसमें एक एरो का निशान बना हुआ है जिसमें आपके फसल का आपका परसेंटेज दिया हुआ है, तो देखिए वहां पे एक डाटा मिसिंग है। ठीक, उसे ऐड कीजिएगा, जो फसल क्षेत्र है, फसल क्षेत्र वहां पे 11.18% दे दिया गया है, फसल क्षेत्र की भागीदारी 11.18% दिया गया है, उसे करेक्ट कीजिएगा। देखिए फसल क्षेत्र की भागीदारी है आपका 11.07%, फसल क्षेत्र की भागीदारी है आपका 11.07%, जबकि खनन उत्खनन, देखिए जो खनन उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, खनन उत्खनन भी आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में खनन उत्खनन की भागीदारी है आपका 11.18%। दोनों डाटा अलग अलग है, इसे करेक्ट कीजिएगा, इसे करना ही है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अध्याय 4 पेज नंबर 12, अध्याय 4 क्या है आपका मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पेज नंबर 12 में देखिएगा, जिसमें मैंने राशन कार्ड के बारे में बताया है, वीडियो में जो मैंने आपको राशन कार्ड के रंग बताए थे वो,
पीडीएफ में जो आपको राशन कार्ड के रंग दिए गए थे वो, ये जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में दिए गए थे उसके आधार पर थे। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जब से आपकी नई सरकार आई है, नई सरकार यानी जो कांग्रेस की सरकार आई है, उन्होंने आपके राशन कार्डों का नवीनीकरण प्रारंभ किया था, ठीक। तो नवीनीकरण के बाद अब नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं, तो इस नए जो आपके जारी राशन कार्ड है उसमें जो है राशन कार्ड के रंगों को परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक। राशन कार्ड आपके जून जुलाई अगस्त के आसपास चेंज हुए हैं, इसीलिए आपको इकोनॉमिक सर्वे में ये देखने नहीं मिला। ये अपडेटेड राशन कार्ड के कलर है, इसे याद कीजिएगा, ठीक। इकोनॉमिक सर्वे में जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में जो वीडियो में मैंने बताया है और जो पीडीएफ में दिया है, तो इसको क्रॉस करके कट करके नए कलर लिख लीजिएगा। देखिए, प्राथमिकता जो राशन कार्ड है ये आपका लाल कलर का है, अंत्योदय परिवार के लिए जो राशन कार्ड है वो पीले कलर का है, एकल निराश्रित के लिए जो राशन कार्ड है वो स्लेटी कलर का है, निःशक्त जनों के लिए जो राशन कार्ड है वो काले रंग का है, और अन्नपूर्णा परिवार के लिए जो राशन कार्ड है वो नीले रंग का है, ठीक। करंट अफेयर भी मैंने आपको इसको अपडेट कराया था, ध्यान से अपडेट कीजिएगा। राशन कार्डों का नवीन कलर, पेज नंबर 12 अध्याय 4 मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। प्राथमिकता परिवार लाल राशन कार्ड, अंत्योदय परिवार पीला राशन कार्ड, एकल निराश्रित स्लेटी, निःशक्त जन काला, अन्नपूर्णा नीला, ठीक। देखिए नेक्स्ट है अध्याय 6, अध्याय 6 पेज नंबर 17, अध्याय 6 पेज नंबर 17। देखिए अध्याय 6 के पेज नंबर 17 में आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो आपका टेबल बना हुआ है उसमें लास्ट वाला कॉलम देखिएगा, जिसमें स्थिति दी गई है आपके जुलाई 2018 तक की। देखिए जो आपका जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा जो आपके इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया गया था, वो पब्लिश किया गया था फरवरी 2019 में, जिसमें आपके 2018 के आंकड़े दिए गए थे, 17-18 के आंकड़े उसमें दिए गए थे। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत, यानी उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो 2018 के थे, क्योंकि फरवरी में आपके गवर्नमेंट ने आपकी इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश की। तो ये जो आंकड़े थे ये कब के थे, देखिए जुलाई 2018 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1.33 करोड़ खाते खोले गए। ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया है, ये मैंने आपको पीडीएफ में भी ये डाटा प्रोवाइड कराया है, ठीक। तो देखिए ये डाटा सही है, और एक नया डाटा आपको अपडेट करना है। देखिए ये कब तक की स्थिति है, जुलाई 2018 तक की स्थिति है। अब एक साल और पूरा होने वाला है, मतलब जुलाई 2019 में एक नया रिपोर्ट और आया होगा। तो जो जुलाई 2019 में जो नया रिपोर्ट आया उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जुलाई 2019 तक की स्थिति में 1.43 करोड़ से अधिक, देखिए मैंने यहाँ प्लस निशान बनाया है, 1.43 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना से प्रश्न पूछा जाता है, पीएससी ये प्रश्न ऑलरेडी पूछ चुका है। जुलाई 2017 तक की स्थिति में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने खाते खोले गए थे, ठीक। तो ये आंकड़े आपको याद रखने, दोनों आंकड़े याद रखने हैं। ये आंकड़े मैंने वीडियो में बताया है, पीडीएफ में भी बताया है, ये नया डाटा है, इसको अलग से लिखिएगा, दोनों डाटा याद रखना है, डाटा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे है 1.33, यहाँ पे है 1.43, बस 10 लाख का आपका अंतर है, ठीक। तो आपका जुलाई 2018 तक की स्थिति में 1.33 करोड़ और आपका जुलाई 2019 तक की स्थिति में 1.43 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले गए हैं। नेक्स्ट देखिए अध्याय 7 पेज नंबर 21, अध्याय 7 के आपके पेज नंबर 21 देखिएगा। पेज नंबर 21 में जो लिखा हुआ है, फसलों का रकबा एवं उत्पादन वर्ष 2017-18, फसलों का रकबा एवं उत्पादन वर्ष 2017-18, जिसमें पहला लिखा हुआ है आपका प्रमुख फसलों के अंतर्गत क्षेत्र, वो सही है, ठीक। उसके नीचे लिखा हुआ प्रमुख फसलों का उत्पादन 1000 मैट्रिक टन में, ठीक, 1000 मैट्रिक टन में। देखिए पिछले क्या हुआ था, पिछले 4-5 सालों से जो आपका तिलहन में, जो तिलहन के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होने वाली जो तिलहन की फसल थी वो थी सोयाबीन। तो ये पीडीएफ में भी आपका सोयाबीन दिया हुआ है, वीडियो में भी मैंने सोयाबीन बताया है। देखिए मैं वीडियो और पीडीएफ दोनों को बताते चल रहा हूं, पीडीएफ में भी मैंने सोयाबीन लिखा है, वीडियो में भी मैंने सोयाबीन बताया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस बार वित्तीय वर्ष 2017-18 में ये डाटा चेंज हो गया था, और ये है आपका मूंगफली, इसे ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र की बात नहीं हो रही, बात क्या चीज की हो रही है, उत्पादन। देखिए
फसलों के अंतर्गत यदि हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में आपका सर्वाधिक अंतर्गत क्षेत्र जिसमें आपका अनाज के अंतर्गत सर्वाधिक आपका जो फसल बोया जाता है वो है धान का, दलहन के अंतर्गत चना का फसल सर्वाधिक बोया जाता है और तिलहन के अंतर्गत सोयाबीन का फसल अधिक बोया जाता है। लेकिन उत्पादन की अगर हम बात करें तो आपका उत्पादन के आधार पर देखें तो सर्वाधिक आपके जो अनाज का उत्पादन होता है वो है धान, सर्वाधिक दलहन फसल का जो उत्पादन होता है वो है चना और सर्वाधिक तिलहन फसल का जो उत्पादन होता है वो है मूंगफली। इंपॉर्टेंट है, इसे अपडेट कीजिएगा और प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसे भी ध्यान दीजिएगा। उत्पादन पूछ रहा है कि क्षेत्र पूछ रहा है, क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्र पर बोया जाने वाला फसल कौन सा है वो है आपका सोयाबीन और सर्वाधिक उत्पादन होने वाला आपका तिलहन फसल कौन सा है वो है आपका मूंगफली। यहां तिलहन की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा अध्याय 8 पेज नंबर 25। देखिए ये डाटा आपको जो है अलग से ऐड करना है। ये डाटा जो है मेरे को आपका छत्तीसगढ़ का जो राज्योत्सव हुआ था इस बार वहाँ पे मेरे को ये डाटा दिखा, थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। देखिए हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आपका वनावरण के आधार पर भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जबकि वन क्षेत्रफल के आधार पर भारत का चौथा बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो ये है आपका 59772 स्क्वायर किलोमीटर यानी 59772 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% 44.2% 44.2% क्षेत्र में आपका वन क्षेत्र है। ठीक, ये डाटा आपको हर जगह मिलेगा लेकिन ये जो नया डाटा है इसे ध्यान दीजिएगा। वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण क्षेत्र, देखिए वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ का देखिए वन क्षेत्रफल कितना है 59772 वर्ग किलोमीटर जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% है। ठीक, यानी हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके लगभग 44% हिस्से में आपका वन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 44% जो क्षेत्र आपका वन है उस सारा का सारा वन क्षेत्र आपके आपके वन्य जीवों के लिए संरक्षित है। देखिए वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र का मतलब जो आपके अभयारण्य है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसकी बात की जा रही है। हमारे प्रदेश में आपका 11 अभयारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपके 11 अभयारण्य, 3 राष्ट्रीय उद्यान और 1 बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत जितना एरिया कवर होता है उसका परसेंटेज है ये। ठीक, तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो आपका वन क्षेत्रफल है वो 59772 वर्ग किलोमीटर जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.2% है। उसी के आधार पर समझिएगा वन्य प्राणियों के लिए संरक्षण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 18.92% क्षेत्रफल आपके वन्य प्राणियों के संरक्षण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, इसे अलग से याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए अध्याय 9 खनिज पेज नंबर 27 पीडीएफ में पेज नंबर 27 देखिएगा। देखिए इसमें मैं आपको जो भी डाटा बताने वाला हूं वो सारे डाटा को समझिएगा। डाटा चेंज हुए हैं, इकोनॉमिक सर्वे की जो बुक है, जो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बुक की बात कर रहा हूं, पीडीएफ की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल बुक में जो डाटा दिए गए हैं उस डाटा को तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ कुछ नए डाटा भी आए हैं कि नए डाटा आपको राज्योत्सव, आपको मैं हर बार बोलता हूँ, हर साल बोलता हूँ, राज्योत्सव जो आयोजित होता है उसे जाकर के अटेंड किया कीजिए, कुछ नए डाटा आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इस बार भी काफ़ी नए डाटा वहाँ पे आपके प्रदर्शनी में लगाया गया था, विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया था, वहाँ पे आपको नए नए आपके डाटा मिल जाते। ठीक, तो वहीं से ये डाटा उठाया गया है, वहाँ पे खनिज विभाग का एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पे प्रदर्शनी में कुछ आपके फोटोस वहाँ पे लगाए गए थे, कुछ वहाँ पे आपके पॉम्पलेट्स वहाँ पे आपके बांटे जा रहे थे, तो उसमें ये डाटे दिए गए हैं। समझिएगा छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का, समझिएगा जो मैंने आपको बताया पीडीएफ का पेज नंबर 27 उसके टॉप में देखिएगा, मैंने आपको जो मुख्य बिंदु में जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसमें लिखा है मैंने, वित्तीय वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का कितना 9.3% है। लेकिन समझिएगा वित्तीय वर्ष 2017-18 जो कि दिसंबर तक के आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपको गवर्नमेंट के ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे के बुक में भी देखने मिलेंगे, उसमें आपका 9.3% दिया हुआ है।
लेकिन जो राज्योत्सव में जो आपके खनिज विभाग में जो आंकड़े आपके दिखाए गए हैं उसमें आपका वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति में जो आपका छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 15.66% है, 15.66% है, समझिएगा क्यों। देखिए ये जो आंकड़ा है ये दिसंबर तक का है, आप सभी को मालूम होगा जो वित्तीय वर्ष रहता है वो अप्रैल से स्टार्ट होकर के आपके मार्च में एंड होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च को एंड होता है एक वित्तीय वर्ष। तो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है ये दिसंबर, यानी ये आंकड़े अधूरे थे, ठीक। तो ये जो आंकड़े अधूरे थे 2017-18 तक के, तो अब ये जो आंकड़े हैं ये आपके 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के आंकड़े हैं, ठीक, समझिएगा। 17-18 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज का मूल्य देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 15.6% है, ठीक। इसके आपका जो प्रूफ है, आप में से अधिकतर लोग प्रूफ मांगते हैं, साइड में शो हो रहा होगा जो आपका राज्योत्सव के जो प्रदर्शनी में जो फोटो लगाए गए थे उसका, वहां से ये फोटो उठाए गए हैं, देख लीजिए उसमें ये आंकड़े आपको दिख जाएंगे, 15.66% 15.66% है, ठीक। अब ये कन्फ्यूजन होगा कि ये भी 2017-18 के है, ये भी 2017-18 के, तो ऑप्शन क्या ले। देखिए यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज का मूल्य देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का कितना प्रतिशत है, समझिएगा, अगर उसमें ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन, देखिए कभी नहीं करेगा कि दोनों ऑप्शन उसमें डालेगा, एक ऑप्शन कैसे बनाएगा आपका 5.6, 6.7, 7.8 या 9.3, ठीक, ऐसे टाइप का ऑप्शन देगा, तो जिसमें आपको 9.3 लेना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 15.6 वाला पूछना हुआ तो कैसा पूछेगा, 12.3, 14.8, 15.66 या फिर 17.78, ऐसे टाइप का पूछेगा, तो आपको ये लेना है। अगर दोनों के दोनों ऑप्शन में है तो इसे छेड़खानी मत कीजिएगा, ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता तो हम भले बोल सकते थे कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगा देते, और जो आपको साइड में मैं जो प्रूफ दिखा रहा हूँ उस प्रूफ के आधार पर, जो प्रदर्शनी जो राज्योत्सव में लगाई गई थी उसके आधार पर और गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर ये वाला जो है क्वेश्चन कैंसिल करवा सकते थे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो ये प्रश्न को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में कोई एक डाटा आता है तो 9.3 लीजिएगा या 15.66 लीजिएगा, लेकिन अपने स्वविवेक के आधार पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ इसका उद्देश्य आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं है, जो नए डाटा है उससे आपको अवगत कराना है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ये भी गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, राज्योत्सव में जो लगाए गए थे वो भी गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, वहाँ पे आप सभी को मालूम होगा हर विभागों का अलग अलग स्टॉल लगा रहता है और वहाँ पे उनकी प्रदर्शनी में उनके आंकड़े शो किए जाते हैं, तो दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दोनों आंकड़े बता रहा हूँ। अब समझना, खनिजों से राजस्व की प्राप्ति हमने पढ़ा हुआ है, वित्तीय वर्ष 2017-18 में खनिजों से छत्तीसगढ़ को जो राजस्व आय हुआ वो कितना है, 4911 करोड़, ठीक, 4911 करोड़, यानी 4911, ठीक, ये आंकड़े करेक्ट है। एक और आंकड़े आपको ये अलग से ऐड करके इसको याद रखना है, ठीक, याद क्या रखना है, वित्तीय वर्ष 2018-19, देखिए वीडियो में जो मैंने जो बताया है और पीडीएफ में मैंने जो लिखा है वो आपको 17-18 के आंकड़े दिए गए हैं, अब 18-19 के आंकड़े ये राज्योत्सव में आपके शो किए गए थे। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 में खनिजों से जो राजस्व की प्राप्ति हुई छत्तीसगढ़ सरकार को वो है आपका 6110.25 करोड़, ठीक, 6110.25 करोड़। देखिए आपको इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, प्रश्न मैक्सिमम चांसेस है कि आपका ये 4911 करोड़ से पूछेगा, नहीं पूछना हुआ तो फिर अगर आपको 18-19 का पूछ रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन लेना है, 6110.25 करोड़। प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसे ध्यान दीजिएगा, 17-18 पूछ रहा है कि 18-19 पूछ रहा है। वैसे ये आंकड़े जो इस साल जो आपका इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश होगा आपका फरवरी 2020 में, उसमें ये आंकड़े आपको शो हो जाएंगे, ठीक, ये आंकड़े अभी केवल जो खनिज विभाग के द्वारा राज्योत्सव में शो किए गए थे। अब समझिएगा, जो आपका पेज नंबर 27 में सबसे नीचे में देखिएगा, वहां पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है खनन और खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति, तो छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज भंडारण के आधार पर तीसरा है, वो सही है। नेक्स्ट देखिएगा नीचे क्या दिया हुआ है, खनिज के उत्पादन के आधार पर,
खनिज के उत्पादन के आधार पर या खनिज के उत्पादन मूल्य के आधार पर, समझिएगा, खनिज के उत्पादन मूल्य के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है, इसे अपडेट कीजिएगा। खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 की स्थिति में छत्तीसगढ़ आपके तीसरे स्थान पर है, समझिएगा। पहले स्थान पर है उड़ीसा, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़। इसका भी यदि आपको प्रूफ चाहिए तो साइड में आपके स्क्रीन पे उसका फोटो शो हो रहा होगा, वहां से देख लीजिए। पहले नंबर पर है आपका उड़ीसा, जहां पर आपका 20,091.77 करोड़ के मूल्य का खनिज का उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पर राजस्थान, जहां पर 11,019.11 करोड़ के मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है। तीसरे नंबर पर है आपका छत्तीसगढ़, जहां पर 9,183.99 करोड़ के मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है। यदि देखा जाए तो उड़ीसा में देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का लगभग आपका 34.26% मूल्य के खनिज का उत्पादन होता है। राजस्थान में देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का जो है आपका 18.79% राजस्थान से प्राप्त होता है, जबकि छत्तीसगढ़ में देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 15.66% आपका छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखना है। मैं क्या क्या बता रहा हूं इसको अलग से याद रखना है। वीडियो में जो बताया है, पीडीएफ में जो बताया है, उसे डिलीट मत कीजिएगा। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अध्याय 10 उद्योग वाला चैप्टर, जिसमें पेज नंबर है आपका 29, पेज नंबर 29, जिसमें मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें राज्य की औद्योगिक नीतियों का मैंने वर्ष बताया है। तो आप सभी को मालूम है कि अभी जो हमारी नई सरकार है उसने 5वीं औद्योगिक नीति जारी कर दी है। तो देखिए उसमें जो आपके टेबल है, टेबल में जो आपका रो नंबर 3 है, जिसमें मैंने तीसरा नंबर क्रमांक में जिसमें औद्योगिक नीति 2014-19 तक बताया था, तो अब उसे अपडेट कर लीजिएगा। ये अब 2019-24 हो गया है, जो कि 1 नवंबर 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2024 तक ये हमारे प्रदेश में लागू होगा, जो कि प्रदेश की 5वीं औद्योगिक नीति है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अध्याय 12 ग्रामीण एवं स्वरोजगार वाला टॉपिक, जिसमें आपको देखना है पेज नंबर 40। पेज नंबर जो आपका 40 है, उस पेज नंबर 40 में जो सबसे नीचे देखिएगा, वहां दिया हुआ है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिसका लक्ष्य है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन जिसके जो कि प्रारंभ हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को, जिसमें भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो वो लक्ष्य में 2 अक्टूबर 2014 लिखा गया, तो उसको करेक्ट कीजिएगा 2 अक्टूबर 2019, यानी इसी साल का लक्ष्य रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए अध्याय 15 जिसमें स्वास्थ्य वाला टॉपिक, पेज नंबर 51। अध्याय 15 स्वास्थ्य वाला टॉपिक, पेज नंबर 51, समझिएगा। पेज नंबर 51 में एक आपका SRS रिपोर्ट दिया हुआ है टेबल में, SRS रिपोर्ट को हम यहाँ देख चुके हैं। दूसरा दिया हुआ है आपका वजन त्यौहार 2012, वजन त्यौहार 2012। देखिए वजन त्यौहार 2012 में मैंने PDF में और वीडियो में मैंने कुपोषण का दर बताया है। कुपोषण का दर देखिए, जो आपका PDF में मैंने बताया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो वजन त्यौहार है वो 2012 से आंगनबाड़ी केंद्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना है। ठीक, अब देखिए जो मैंने PDF में जो आंकड़े बताया है 2017 तक की स्थिति में जो कुपोषण का दर है वो है आपका 26.33%, ये दिया गया है आपके इकोनॉमिक सर्वे के बुक में। लेकिन आप सभी को मालूम होगा, देखिए इकोनॉमिक सर्वे का जो बुक है, जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल बुक है उसकी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे के बुक में पेज नंबर 280 में देखेंगे तो आपको ये डाटा मिल जाएगा 26.33%। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जो नई प्रदेश सरकार आई है उसने छत्तीसगढ़ में आपके सुपोषण अभियान यानी कुपोषण मुक्ति अभियान उसने प्रारंभ किया है। कुपोषण मुक्त अभियान बोलिए या फिर आपको सुपोषण अभियान बोलिए, दोनों एक ही है। 2 अक्टूबर 2019 से इसे लागू किया गया है। तो जब ये आपका ये जो कुपोषण मुक्ति अभियान जब प्रारंभ किया गया था तो उस समय कुछ आंकड़े सामने आए थे। देखिए 2018 की स्थिति में नीति आयोग द्वारा जारी जो रिपोर्ट है 2018 की, उसमें छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण दर है, छत्तीसगढ़ में कुपोषण दर है आपका 37.60%। जो कुपोषण मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है उसमें इसी आंकड़े को बार बार शो किया जा रहा है। ठीक, जितने भी न्यूज़पेपर है सब में आपको 37.60% मिलेगा, ऑफिशियली नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसमें भी 37.60 मिलेगा। लेकिन एक जगह थोड़ा कंफ्यूजन है जो आपको उससे भी क्लियर कर रहा हूं, उसे थोड़ा ध्यान समझिएगा। मुख्यमंत्री की चिट्ठी, ठीक, मुख्यमंत्री की चिट्ठी जो आपका सुपोषण अभियान जब प्रारंभ किया गया था या कुपोषण मुक्त अभियान या छत्तीसगढ़ कुपोषण मुक्त बनाए जाने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा एक चिट्ठी ऑफिशियली सर्कुलेट की गई थी या लोगों के लिए एक चिट्ठी जारी किया गया था।
उसमें जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो प्रदेश में जो कुपोषण का स्तर है उसे 35.60% बताया है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा मकसद आप लोगों को कंफ्यूज करना नहीं है, आप लोगों को अपडेट करना है। 2017 के आंकड़े को भी याद रखिएगा, सही आंकड़ा है। सीजी गवर्नमेंट के ऑफिशियली इकोनॉमिक सर्वे के पेज नंबर 280 में देखिएगा, 26.33% है, इस आंकड़े को याद रखिएगा। किस वर्ष का कुपोषण दर पूछ रहा है उसे ध्यान दीजिएगा, 2017 की स्थिति में 26.33%, 2018 की स्थिति में 37.60%, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो चिट्ठी जारी किया है उसमें उन्होंने 35.60% बताया है, ठीक। अब अगर डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर पूछ रहा है, तो आपको ये 37.60% लेना है। बाकी जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिट्ठी है, साइड में आपको स्क्रीन में मैं शो करा देता हूँ, मैंने इसे आपका टेलीग्राम पेज में भी मैंने इसे शेयर किया था। देखिए बहुत से लोग टेलीग्राम जो हमारा चैनल बना हुआ है उसमें ज्वाइन नहीं हुए, हमारा एक फेसबुक पेज भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें डेली बेसिस पे करंट के डाटा और कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रिपोर्ट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं उसमें शेयर करता हूँ, वहाँ जाके ज्वाइन हुई है। मैंने कई लोग को बोलता हूँ तो उन लोग बोलते हैं कि सर हम सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहना चाहते, हम पढ़ाई पे ध्यान देना चाहते। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है तो व्हाट्सएप पे मत रहिए, फेसबुक पे मत रहिए, लेकिन टेलीग्राम में एटलीस्ट ज्वाइन हो जाइए। आप ही के लिए वो, आपको आपको फायदा पहुंचाने के लिए, आपके लिए वो बेनिफिट मिलेगा आपको उससे। काफ़ी नए करंट अफेयर उसमें अपडेट होते हैं, काफ़ी नए रिपोर्ट में उसी में जारी, उसी में मैं आपको पोस्ट करता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप मैं बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है, लगभग 15,000 से अभी 15-16,000 के आसपास उसमें स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। उसमें बहुत सारे आपके बिलासपुर रायपुर के जो प्रतिष्ठित जो आपके कोचिंग सेंटर है उसके टीचर भी है, वो आपको शो नहीं होगा, वो एक चैनल का पेज है, उसमें केवल जो सब्सक्राइबर कौन कौन सब्सक्राइब कर रहा है उसका लिस्ट मेरे पास है। अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर के जो टीचर है उनके भी नाम मेरे को पता है, वो सारे के सारे हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं। तो जब वो जुड़े हुए हैं तो आप भी ज्वाइन हो जाइए, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही है करके लोग ज्वाइन है, तो उसमें जा करके ज्वाइन हो जाइए। ये सारे आंकड़े मैं उसमें शो करता हूँ, उसमें पोस्ट करता हूँ, ठीक। तो ये जो मुख्यमंत्री की जो चिट्ठी है ये आपको साइड स्क्रीन मैंने शो करा दिया है, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो अगर डायरेक्ट प्रश्न आता है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर, आप तो आप 37.60% लीजिएगा, ये इस साल का प्रश्न बनेगा ही, व्यापम का बनेगा या पीएससी का बनेगा, क्योंकि इस साल कुपोषण मुक्त अभियान काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक। तो जितने भी डाटा मैंने बताया है सारे के सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, जितने भी डाटा बताया है सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, किसी भी डाटा से छेड़छाड़ मत कीजिएगा, एज इट इज इसे याद रखिएगा। एक डाटा और समझिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये खनिज वाले चैप्टर में एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, उसको मैं आपको मोबाइल के थ्रू ही समझा रहा हूँ। देखिए अलग से आपको खनिज का एक रिपोर्ट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसे समझते चलिएगा, मैंने यहाँ जगह नहीं था करके नहीं लिखा है। जैसे जो हमारा खनिज भंडारण वाला जो हमारा पेज नंबर जो 28 है, 27 दिया हुआ पेज नंबर 28 में देखिएगा, पहले नंबर का जो टेबल बना हुआ है प्रमुख खनिज का भंडारण, ये जो इसमें मैंने जो भंडारण का जो टेबल बनाया है ये आपका इंडियन मिनरल ईयरबुक 2013 के आधार पर है, ठीक। लेकिन इस साल नया आपका इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2018 आया है, जिसके आंकड़े इस साल राज्योत्सव में खनिज विभाग द्वारा प्रदर्शनी में लगाया गया था। देखिए साइड में स्क्रीन पे आपको इसका फोटो भी शो हो रहा होगा। जैसे कोयले का भंडारण पहले नंबर का सही है, कोयले का भंडारण जो मैंने पीडीएफ में लिखा है 56036 यहाँ पर भी दिया हुआ, जो कि भारत में कुल इसका हिस्सेदारी आपका 18.15% यानी 18.15% है। अब देखिएगा सेकंड नंबर पे क्या है, लौह अयस्क। लौह अयस्क को मैंने पीडीएफ में क्या बताया है या वीडियो में क्या बताया है, 40-31 मिलियन टन, और इसका देश में प्रतिशत मैंने कितना बताया है, 19.59%। अब साइड में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लौह अयस्क का भंडारण छत्तीसगढ़ में अब हो गया है 48-58, पहले कितना था 40-31 से बढ़कर के अब कितना हो गया है आपका 48-58, जो कि भारत में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितनी हो गई है 22%, पहले लगभग आपके 19.5% के आसपास थी, अब कितनी हो गई है 22%, इसे भी अपडेट कीजिएगा। तीसरे नंबर पर है चूना पत्थर, चूना पत्थर का छत्तीसगढ़ में भंडारण है आपका 10,805 मिलियन टन, जो कि भारत में इसकी जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 5%, ठीक। चौथे नंबर पर है डोलोमाइट, डोलोमाइट को हमने पढ़ा था 919 मिलियन टन, जो 919 मिलियन टन अभी भी है, ठीक।
तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है, 11.37% ये एज इट इज है। उसके बाद है बॉक्साइट, बॉक्साइट जिसका भंडारण हमारे प्रदेश में था पहले के ईयर बुक के रिपोर्ट के हिसाब से 168 मिलियन टन, वो हो गया है अब 173 मिलियन टन, जो कि देश में भंडारित कुल आपके बॉक्साइट का आपका 5% है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सीधा देखिए आपका नंबर 7 टीन अयस्क का भंडारण आपका हमने पढ़ा था 30 मिलियन टन, इसमें भी 30 मिलियन टन दिया हुआ है और परसेंटेज इसमें चेंज कर दिया है आपका 36%। ठीक, तो जो जो आंकड़े बताए हैं सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े जो मैंने पीडीएफ में बताए थे वो आपके इंडियन मिनरल्स बुक 2013 के अनुसार है, ये आंकड़े आपको आर्थिक सर्वेक्षण में भी दिए गए हैं, लेकिन जो नए आपके आंकड़े हैं ये आपके राज्योत्सव में प्रदर्शित किए गए थे, तो राज्योत्सव में प्रदर्शित आंकड़े मैंने आपको स्क्रीन में शो करा दिया है, आंकड़े को ध्यान से टिक कीजिएगा। ठीक, आंकड़े में कभी भी 2% जो कंटिन्यूअली जो आपके ईयर के परसेंटेज कभी नहीं देता। ठीक, जो कंटिन्यू ईयर के जो परसेंटेज रहते हैं उसे कभी नहीं देता, लेकिन अगर आता है तो अपने विवेक के आधार पर इसका ऑप्शन चुनिएगा। आपके सामने मैंने दोनों आंकड़े रख दिए हैं, दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है, और जो भी नए डाटा बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हाँ ये जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण का पीडीएफ है वो इंस्टा मुझे पे अपलोड कर दिया गया है, साथ ही साथ जो हमारा टेस्ट सीरीज है जो मैंने आपको बताया था कि जो सीजीपीएससी ई पाठशाला का जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स अपलोड किए जाएंगे इंस्टा मुझे पर, तो आपका टेस्ट पेपर नंबर 1 छत्तीसगढ़ का इतिहास और टेस्ट पेपर नंबर 2 आपका भारत का भूगोल, ये दोनों के दोनों अपलोड कर दिया गया है, जिस किसी को भी चाहिए जाके ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में, फेसबुक पे जो टेलीग्राम में अपलोड कर दिया गया है। धन्यवाद।